हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिटी ब्लॉग में। और मणिपुर और वेस्ट बंगाल फाइनल मैच का सेकेंड राउंड जो था वो स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट हाफ ख़त्म हो चुका था क्योंकि आपने इसके पहले वीडियो देखा होगा, और ये है सेकेंड हाफ जो कि देख रहे होंगे। 45 मिनट हो चुके हैं और इसके बाद 45 मिनट के बाद सेकेंड हाफ चालू हो चुका है। और फर्स्ट हाफ में जैसा कि आपको पता होगा कि एक भी गोल नहीं हुआ था, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि ब्लू जर्सी वाली जो टीम है वो है मणिपुर की, और येलो जर्सी वाली जो टीम है वो है वेस्ट बंगाल की। अब देखना यह है कि कौन सी टीम गोल कर पाएंगी, क्योंकि दोनों ही टीमों ने एक भी गोल नहीं किया फर्स्ट हाफ में। और अब शुरू हो चुका है सेकेंड हाफ, दोनों ही टीमें बहुत अच्छे से खेल रही है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है खेल का। और यहाँ पे जो है दोनों टीमों में बॉल पासिंग बहुत अच्छे से की जाती है, और पब्लिक आप देख सकते हो सेकेंड हाफ में बहुत ही ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे आ चुकी है ग्राउंड में। पूरा ग्राउंड जो है वो भरा हुआ है पब्लिक से, और पब्लिक अभी आ भी रही है। और अब देखते हैं कि कौन सी टीम गोल कर पाती है। वैसे दोनों टीमें बहुत जबी से कोशिश कर रही है गोल करने की, और इस बार जो है पश्चिम बंगाल भी थोड़ा बॉल पासिंग बहुत अच्छे से कर रही है अपने प्लेयर के पास। और बहुत ही अच्छा ये मुकाबला चलते हुए दोनों टीमों का, मणिपुर वर्सेस वेस्ट बंगाल। ये बॉल आई है, ये देखो कितना अच्छा पासिंग अभी कर रही है वेस्ट बंगाल की टीम भी। अब देखना ये है कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम सबसे पहले गोल मारती है। और ये बॉल गई, शायद हो जाए पर भी नहीं हुआ है गोल अभी। ये बॉल गई ऊपर, ये चले गई बाहर। और शायद गोल कर ले कोई टीम। दोनों ही मैच जो है टक्कर की है, दोनों टीमें बहुत ही टक्कर की है। इसके लिए थोड़ी, क्योंकि फाइनल में दोनों टीमें पहुंची है, तो दोनों टीमें जो है टक्कर की है, इसलिए अभी तक के फर्स्ट हाफ में भी एक भी गोल देखने को नहीं मिला। और ये सेकेंड हाफ चल रहा है, सेकेंड हाफ में भी 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, और ये गोल एक हाथ का होने मिल जाए। और हो सकता है कि मणिपुर एक हाथ गोल कर ले, क्योंकि मणिपुर जो है एक तरफा मैच कर दिया है मणिपुर ने। और ये गोल होते होते बचा, और लगभग 52 मिनट जो है वो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी गोल नहीं हुआ है। सॉरी, 62 मिनट हो चुके हैं और गोल नहीं हुआ है। बॉल चले गई बाहर,
और इस बार शायद गोल कर दे मणिपुर। ये बॉल गई, और ये दोनों टीम खेलते हुए और ये कीपर ने बहुत ही अच्छे से बॉल रोका। और पश्चिम बंगाल की टीम बॉल पास करते हुए, और ये अब मणिपुर की बॉल टीम ने बॉल ले गई है, और हो सकता है कि इस बार गोल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, बॉल आ गई रिटर्न। और इस बार ये मणिपुर की टीम ने गोल कर दिया एक, और मणिपुर की टीम ने यहाँ पे पहला गोल कर दिया। और मणिपुर का गोल हो गया एक, और वेस्ट बंगाल का गोल हुआ जीरो। अब आगे देखने मिलेगा कि कौन सी टीम और गोल कर पाएंगी। वैसे मणिपुर का एक गोल हो चुका है, सबसे पहला गोल, वो भी सेकेंड हाफ में। और अब मैच ड्रा भी हो सकता है, या तो कोई एक टीम और एक गोल मार दे तो मैच विन भी हो सकता है, नहीं तो कोई अगर पश्चिम बंगाल एक और गोल मारती तो मैच ड्रा भी हो सकता है, या मणिपुर और एक गोल मारती है तो विन भी हो सकती है। अगर वैसे तो मणिपुर अभी एक गोल मार दी है तो मान लो कि विन है, मगर अभी खेल में कुछ भी हो सकता है क्योंकि टाइम अभी बचा हुआ है। और मणिपुर की जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। और ये बॉल गई, ये बाहर चली गई, नहीं तो इस बार भी गोल हो जाता। और कुछ ही देर का मैच बचा हुआ है, दोनों ही टीमों को चाहिए कि वो गोल मारे। और बहुत ही अच्छी बॉल पासिंग, और ये बॉल चली गई बाहर, नहीं गई, ये बच गया, कीपर ने रोक लिया बहुत ही अच्छे से। वेस्ट बंगाल भी बहुत ही टक्कर दे रही है मणिपुर को। और ये बॉल अब गई है, और इसी के साथ बॉल बाहर, नहीं तो गोल हो जाता। और मणिपुर के प्लेयर तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, दोनों टीमें अच्छा खेल रही है अब। और ये बॉल अब जा रही वेस्ट, ये रोक लिया कीपर ने, नहीं तो इस बार भी गोल था, वेस्ट बंगाल गोल कर सकती थी लेकिन कीपर ने रोक लिया। और ये बॉल गई बाहर, नहीं तो गोल हो जाता, बाहर से गई ये बॉल। और दोनों ही टीमें लगी हुई है गोल करने के लिए। और मणिपुर की टीम के पास है बॉल, और ये फिर से बॉल बाहर। कुछ ही देर का मैच बचा हुआ है, और दोनों ही टीम के प्लेयर बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, और इस बार शायद वेस्ट बंगाल कर दे गोल, बॉल तो ले जा रहे हैं वैसे, लेकिन फिर से वापस हो गई बॉल, इस बार से ले जाए शायद, गई तो है बॉल लेकिन रिटर्न आ गई बॉल। ये पड़ा है लेकिन थोड़ा बहुत ही टाइम बचा हुआ है मैच को ख़त्म होने के लिए,
और पब्लिक धीरे धीरे यहाँ से जाते हुए, ये बॉल चलेगी बाहर और टाइम हो चुका है 90 मिनट कंप्लीट और मणिपुर ने एक गोल कर लिया है और वेस्ट बंगाल ने एक भी गोल अभी तक के नहीं किया है, जो कि सेकेंड हाफ भी हो चुका है ख़त्म। अब इनको ये 4 या 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, अब इसमें शायद ये कुछ कर ले। ये बॉल गई बाहर, और दोनों टीमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए, और ये लास्ट लास्ट टाइम बचा हुआ है 4 या 5 मिनट का, जो कि ये भी ख़त्म हो जाएगा। और मणिपुर ने एक गोल कर चुकी है, तो अब वेस्ट बंगाल अगर एक गोल करती है तो मैच ड्रॉ हो सकता है। अब देखते हैं कि वेस्ट बंगाल ये कर पाती है क्या। और धीरे धीरे पब्लिक कम होते हुए स्टेडियम से, और इसी के साथ फिर से वेस्ट बंगाल के पास बॉल गई है। हो सकता है कि वेस्ट बंगाल गोल कर दे, लेकिन ये इस बार भी कीपर ने रोक लिया और पब्लिक धीरे धीरे ग्राउंड खाली होते हुए 2 या 3 बार कोशिश की वैसे वेस्ट बंगाल ने गोल करने की, लेकिन कीपर ने दोनों तीनों बार नाकाम होने दिया। और इसी के साथ आप देख सकते हो कि पब्लिक कितनी सारी आई हुई थी मैच देखने के लिए, और इसी के साथ मणिपुर ने ये मैच विन कर लिया। और पहली बार बालाघाट के स्टेडियम में मैंने इतनी भीड़ देखा हूँ। और दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए, और मैच यहीं पे ख़त्म।